हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिपराज वर्ल्ड। और यहाँ पर मैंने जो है अथक के सारे टॉयज़ धोए थे, सॉफ्ट टॉयज़ जो हैं तो मैंने धो दिए थे आज। वैसे तो अथक के पास बहुत सारे टॉयज़ हैं जो कि मैंने पैक करके रख रखे हैं, क्योंकि अब अथक खेलता तो है नहीं। उसके बचपन से लेके अभी तक काफ़ी टॉयज़ हैं, बट वो पैक करके रखे हैं। और टॉयज़ वगैरह धोने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी इनकी अलमारी सेट करने के लिए। तो ये सारे इनके ब्लेजर्स वगैरह हैं जो कि मैंने एक बार बाहर निकाल दी, क्योंकि इनको दोबारा से सेट करूँगी। और इनके पास भी काफ़ी ब्लेजर्स हैं, कुछ अथक के हैं ये, कुछ इनके हैं, ऐसे करके ना बहुत सारी भीड़ हो रखी है इन सब चीज़ों की। बट यहाँ इस अलमारी में क्या है, वही ब्लेजर्स वगैरह रख रखे हैं जो ये यूनिवर्सिटी में पहन कर जाते हैं। कुछ जो ब्लेजर्स हैं वो मैंने हमारे बॉक्स के अंदर रख रखे हैं, क्योंकि इसमें इतने ही ब्लेजर्स आ पाते हैं, ज़्यादा इस अलमारी में जगह नहीं है। वैसे ये अलमारी जो है मम्मी जी की हुआ करती थी, बट फिर बाद में पापा ने कहा था इनसे कि अब तू यूज़ कर लिया कर, तो अब मैं इनके कपड़े इसमें रख देती हूँ। फिर भी इतने कपड़े हैं ना कि चाहे जितनी भी घर में अलमारियाँ हों वो कम ही पड़ती रहती हैं। तो बस आज मैंने सोचा इस अलमारी का नंबर लगा देती हूँ, क्योंकि ये अलमारी थोड़ी ईजीली क्लीन हो जाएगी इसमें, क्योंकि इनका इनका सामान है। फिर मेरी और अथक की दो अलमारियाँ अलग है, वो बड़ा हेडेक वाला काम है। उसमें से तो मुझे छटनी भी करनी है, कौन से कपड़े रखने हैं कौन से नहीं रखने हैं इन अलमारी में। क्या है इस वाली अलमारी में कि इसमें छटनी वाला कोई काम नहीं है, बस इनके कपड़ों को सेट करना है। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसी अलमारी का नंबर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बातों ही बातों में इनकी अलमारी भी मैंने सेट कर दी है, अच्छे से सारी अलमारी सेट हो चुकी है। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू शिपराज वर्ल्ड। और सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ चुकी हूँ। आज आप मेरे को सुबह सुबह देख रहे हैं इस तरीके से। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, आंखें मेरी सूजी है। कल बहुत ज़्यादा आँखों में दर्द हो गया था मेरे, और मैं फिर सो गई थी। और फिर ब्लॉगिंग भी मैंने दोपहर के बाद नहीं की थी, अलमारी सेट की, उसके बाद कोई ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि कल सर में और आँखों में इतना दर्द होने लगा था ना। आप देख सकते हैं ये आँख मेरी बहुत सूज रही है, ये दोनों आँखें मेरी सूजन आ गई है इनमें, क्योंकि मोबाइल का भी काम रहता है ना, इस चक्कर में फिर क्या आँखों में बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम होने लगती है कभी कभी। तो फिर मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, तो मैंने सोचा चलो अब आज अर्ली मॉर्निंग ही वापस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ, नहाऊँगी। नहाने में इसलिए लेट हो गई, 6 बजने वाले हैं, क्योंकि ऊपर पानी नहीं है। ये उठेंगे तब मोटर लगाएंगे तो पानी आएगा ऊपर, तब नहाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो फटाफट एक बार झाड़ू निकाल लेती हूँ, झाड़ू का काम कर लेती हूँ, फिर इनको उठा दूँगी, चाय बनाऊँगी और फिर इनको उठा दूँगी। तो चलिए एक बार मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और आज अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर, और अथक भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। और अथक ने आज न्यू ड्रेस पहनी है, क्योंकि कल हम लोग शॉपिंग करके आए थे शाम को। तो अथक की खूब सारे नए कपड़े आए हैं दिवाली के लिए, कुछ अभी पहन लेगा। तो देखो इसने नई ड्रेस पहनी है ये सारी, और ये कैप भी न्यू लेके आया है। तो ये कैप वगैरह सब न्यू लेके आया है, तो अभी आज इसने न्यू कपड़े पहने। और जो शॉपिंग मैं करके आई हूँ ना, वो आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं अपनी मम्मी के घर के लिए निकल चुकी हूँ, रवाना हो चुकी हूँ। ब्रदर आ गया था लेने के लिए। वैसे तो अथक का प्रोग्राम था नानी के घर जाने का, क्योंकि उसे अपने मामू के साथ रावण बनाना है, लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि पल्लव जी भी नहीं है, अथक भी यहाँ आ जाएगा, तो तू वहाँ पर अकेली मत रह, तू भी यहीं पर आ जा। मम्मी का थोड़ा मन नहीं मानता है मैं वहाँ पर अकेली रहती हूँ। आगे कभी मैं आपको बताऊँगी कि मम्मी मुझे वहाँ क्यों अकेले नहीं रहने देती है। तो मम्मी ने बोला कि तू भी आ जा साथ में, तो फिर इस चक्कर में मैं अभी फिर साथ में आ गई थी मम्मी का बैठाने के लिए। और यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, और एमी की एक्साइटमेंट देखिए हम लोग को, कि आते ही बस उसकी उछल कूद शुरू हो जाती है। बस उसे अभी हमसे मिलना होता है, गले लगना होता है, सब कुछ करना होता है, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। मम्मी के घर, और मम्मी अब बना रही है खाना, किचन में है मम्मी, और मैंने सोचा चलो
चुकी हूँ, तो व्लॉग यहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं व्लॉग को। तो लीजिए मम्मी से भी मिल लीजिए। मम्मी के व्लॉग्स आप लोग देखते होंगे, और जो लोग मेरी मम्मी के व्लॉग्स नहीं देखते हैं उनसे भी बोलना चाहूंगी कि मेरी मम्मी के चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर सकते हैं, छायास किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर। वैसे मैं बीच बीच में शेयर करती हूँ मम्मी का, जिससे आप लोगों को मम्मी के भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिले, क्योंकि हमसे जो लोग बड़े एज के होते हैं उनको काफी अनुभव भी होता है, तो मम्मी वगैरह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जरूर से मेरी मम्मी के व्लॉग्स भी देखिएगा। तो चलिए अगर मम्मी खाना बना ले, मैं भी मम्मी के साथ खड़ी हूँ। जागृति अभी रैनी कॉलेज गई है तो आएगी तो उससे भी मिलवा दूंगी। तो अभी मम्मी फिलहाल खाना बना रही है। तो अभी मैंने सोचा मम्मी के साथ थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो भिंडी मैं कट कर देती हूँ, मम्मी आटा वाटा लगा के रोटियाँ वगैरह बना लेगी। तो मैं यहाँ पर भिंडी कट कर रही हूँ। जागृति भी अभी कॉलेज गई है, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो वो 1 या 1:30 बजे के आसपास आएगी। तब तक मम्मी ने कहा चलो खाना तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 9:30-10 के आसपास आ गई थी, क्योंकि ब्रदर 9:15 बजे के आसपास अपनी क्लास से फ्री होता है, तो फिर वो मुझे लेके आ गया था। तो मम्मी ने साफ़ सफाई का काम किया, इतने में मैं वहाँ पर पहुंच गई। तो फिर बस मैं और मम्मी खाने का काम निपटा लेंगे, और हमारी बातें चल रही हैं इधर उधर की सारी बातें। और यहाँ पर ये देखिए मम्मी के पर्दे आए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मम्मी ने और जागृति ने पसंद करके ऑनलाइन पर्दे मंगवाए थे, काफ़ी अच्छे लगे मुझे। प्राइस भी इसका जो इसकी जो रेट है वो भी रीज़नेबल है काफ़ी, वो आपको मम्मी बताएगी। तो ये काफ़ी अच्छे पर्दे लगे मुझे। और यहाँ पर मैं और जागृति मिलकर अलमारी सेट कर रहे थे। जागृति ने सारे कपड़े समेट दिए थे और मैंने सारी अलमारी को में रख दिए थे उनको सेट करके। ऐसे करके हम लोगों ने मिलकर अलमारी को भी सेट कर लिया था। वो बाकी की जो क्लिप्स है वो आपको मम्मी के व्लॉग में देखने को मिली गई होंगी। और अभी जो है डिनर टाइम हो चुका है, और यहाँ पर ये देखिए डोसा आया है, सांभर डोसा चटनी मोमोज वगैरह आए हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के लिए भी ले लेती हूँ, व्लॉग में आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने सोचा चलो सुबह से मेरा सुबह से क्या कल से ही मेरा व्लॉग स्टार्ट है, तो थोड़ा सा व्लॉग अभी थोड़ी सी बात आप लोगों से कर लेती हूँ और फिर व्लॉग को भी एंड कर देंगे। तो बस मम्मी इधर आ गई थी, बीच में सो गई थी, फिर अलमारी आप लोगों ने देखा, मैंने और जागृति ने मिलकर कर ली थी। मेरी और जागृति की वो क्लिप्स हैं वो मोस्टली मम्मी के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। मैंने तो थोड़ी सी एक अलमारी सेट करने की जो है क्लिप ऐड की है, क्योंकि मैं घर पर भी अलमारी सेट करी थी, तो व्लॉग में अलमारी अलमारी हो जाती, तो मैंने कुछ ज़्यादा उसमें ऐड नहीं किया है। मैं मम्मी की अलमारी थोड़ी बहुत सेट की हम लोगों ने मिलकर, और फिर बातें करने लगे। तो ज़्यादा यहाँ पे व्लॉगिंग आपको पता है मैं करती नहीं हूँ, तो बस अभी डिनर कर रहे हैं। और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।